नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रयागराज में हुई माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या समेत यूपी में हुए 183 एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की है और इसमें मांग की गई है कि यूपी के विशेष डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा बताए गए 2017 के बाद से हुए 183 एनकाउंटरों की जांच के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए और मामलों की जांच करवाई जाए। आपको बता दें कि शनिवार रात अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अतीक और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे, तभी नकली मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे हमलावरों ने अतीक के सिर के पास गन रखकर उसे गोली मार दी। इस दौरान हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। गोली लगते ही अतीक और उसका भाई अशरफ जमीन पर गिर पड़े और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 हमलावरों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कल रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में और लाइव कवरेज के दौरान गोली मारकर की गई हत्या को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि राज्य को एनकाउंटर प्रदेश बना दिया गया। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट कर लिखा कि देश भर में चर्चित इस अति गंभीर व अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करे तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज की बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित सोचने की बात है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की प्रकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में हुई माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह आसान रास्ता है, कानून का पालन करना मुश्किल काम है। गहलोत ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने अतीक हत्याकांड की आलोचना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में जो हो रहा है वह आसान रास्ता है, कठिन रास्ता तब होता है जब आप कानून का पालन करते हैं और न्याय सुनिश्चित करते हैं। साथ ही गहलोत ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एकमात्र चिंता चुनाव जीतना है और उन्हें जनता की परवाह नहीं है। कानून का राज होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, तभी देश एकजुट होगा और सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों का विश्वास बरकरार रहेगा। अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट से एक टीम बनाने और इस मामले की जांच करने की मांग करता हूं। हम यह भी मांग करते हैं कि वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों को सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, JSR के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी की कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं उस समाज में कोर्ट और इंसाफ के सिस्टम का क्या काम। बता दें कि शनिवार रात प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय अतीक और अशरफ की कैमरे के सामने गोली मारकर हत्या करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही PAC और RAF बल भी तैनात किए गए हैं। प्रयागराज की सभी सीमाएं सील कर दी गई और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया और तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री की इस बैठक में मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश भी दिए हैं। विशेष DG प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस उच्च स्तरीय बैठक में CM ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से कल रविवार 16 अप्रैल को CBI ने शराब नीति घोटाला मामले में 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। वह सुबह करीब 11:15 बजे CBI दफ्तर पहुंचे थे। पूछताछ को लेकर CM केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि 9.5 घंटे तक CBI की पूछताछ हुई, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। पूरा कथित शराब घोटाला
झूठी और घटिया राजनीति है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। वे आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। बता दें, सीबीआई की इस पूछताछ को लेकर आपके कई नेता सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान आप नेता राघव चड्ढा और संजय सिंह को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वहीं सीबीआई दफ्तर जाने से पहले सीएम केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं निश्चित तौर पर जाऊंगा, सीबीआई ने मुझे आज बुलाया है। वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं, वे किसी को भी जेल भेज सकते हैं। अगर बीजेपी ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो निश्चित रूप से सीबीआई उनके निर्देशों का पालन करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार को सीबीआई द्वारा की गई पूछताछ से पहले कई विपक्षी दलों ने केजरीवाल के साथ एकजुटता प्रदर्शित की थी। हालांकि केजरीवाल को लेकर कांग्रेस से दो अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन कर एकजुटता दिखाई थी, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा है कि केजरीवाल जैसे लोगों और उनके साथियों को किसी भी तरह की सहानुभूति या समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि मेरा मानना है कि केजरीवाल जैसे लोगों और उनके साथियों को, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, किसी तरह की सहानुभूति या समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। लेकर गेट और घी गेट के आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अपने ट्वीट में माकन ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक नेताओं के लिए यह पहचानना जरूरी है कि केजरीवाल ने भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन का पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही माकन ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं और वरिष्ठ संचालन समिति के सदस्यों से अपील की कि वे अदालत में केजरीवाल या उनकी सरकार का प्रतिनिधित्व करने से बचें। गौरतलब है कि कांग्रेस संचालन समिति के सदस्य और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले भी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है और केजरीवाल ने उनसे कानूनी सलाह की मांग की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी कल रविवार 16 अप्रैल को पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अमोल बनाम नंदिनी को लेकर चल रहे विवाद के बीच राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक नंदिनी स्टोर को भी विजिट किया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटक की शान नंदिनी इज दी बेस्ट। इसी के साथ उन्होंने अडानी मुद्दे के जरिए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने दोहराया कि वह केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है कि मुझे संसद से हटाकर धमकाकर डरा देंगे। मैं इनसे नहीं डरता, मुझे अयोग्य घोषित कर दो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप हजारों करोड़ रुपए अडानी को दे सकते हैं तो हम गरीबों, महिलाओं, युवाओं को पैसा दे सकते हैं। आपने दिल भर के अडानी की मदद की, हम दिल भर के कर्नाटक के लोगों की मदद करेंगे। हमने कर्नाटक की जनता से चार वादे किए हैं। पहला कि हर घर के परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा वादा कि हर महीने हर महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरा वादा है कि हर महीने हर परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। और चौथी योजना में हर महीने 2 साल के लिए कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए दिए जाएंगे। आईपीएल 2023 का 23वां मुकाबला कल रविवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वहीं गुजरात की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए 178 रनों का टारगेट दिया, जिसे राजस्थान की टीम ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।